हम विश्वास रखते हैं सच्ची खबरों पर, खबरें जो जगाएंगी आपको। वो मौके से भागे हैं जी सर, क्या पूरा मामला है? जो चार शातिर वाहन चोर पकड़े गए हैं, किस तरीके से मोटरसाइकिल चुराते थे, कहां-कहां सप्लाई करते थे, बेचते थे, कहां जाएंगे? जी हाँ, ये पिछले कुछ दिनों में शहर के अन्य अलग अलग थानों से, थाना जनकपुरी से, कोतवाली नगर और मंडी और सदर बाजार से कुछ मोटरसाइकिल चोरी हो रही थी, जिसमें हम सीसीटीवी फुटेज ट्रैक कर रहे थे तो एक ही तरह के चार अपराधी उसमें बार बार दिख रहे थे, जो बदल बदल के ये मोटरसाइकिल चोरी कर रहे थे। इसको हमने आगे फॉलो किया तो इसमें जो मेन मास्टरमाइंड अंशु, जो दतौली रांगड़ का रहने वाला है, कोतवाली नगर से भी जेल गया, गैंगस्टर के मुकदमे हैं उस पर, वो ट्रेस हुआ। उसके बाद हमने उसके पूरे गिरोह को पकड़ा। जब इनसे पूछताछ की तो पता चला कि ये मोटरसाइकिल को काटने के लिए दिया करते थे। बुड्ढा खेड़ा का रहने वाला नाम उसका गुन्ना है, जिसको ये मोटरसाइकिल काटने के लिए दिया करते थे। उसके बाद ये जो गुन्ना है वो आगे इसके जो पुर्जे हैं वो थाना मंडी और कुतुबशहर में रहने वाले शहनवाज और दिलशाद, जिनके वहाँ पे गोदाम है, उसको आगे बिकवा दिया करता था। तो इस तरह से पूरी ये चेन काम कर रही थी। इसमें दो मोटरसाइकिल तो हमारी मौके से ही बरामद हुई हैं, बाकी मोटरसाइकिल में जब हम सीसीटीवी फुटेज दिखा के इनसे पूछताछ की तो इनके द्वारा एडमिट किया गया कि ये मोटरसाइकिल इनके द्वारा कटवा दी गई हैं। जी लगभग 8 मोटरसाइकिल इसमें कटवा दी गई हैं, 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, टोटल 10 हमारी चोरी जो है इसमें वर्कआउट हुई। सर, जो कबाड़ी है वो किस तरीके से इनसे सामान खरीदते थे, काटने के बाद ही उन्हें बेचते थे? ये जो कटान का काम होता था, ये जो बताया जा रहा है कि बुड्ढा खेड़ा में जो घर है गुन्ना का, ये उसके अंदर ही काम होता था। बड़े इसके पास 2 रेड़े भी बरामद हुए हैं गुन्ना से, जिसके थ्रू ये सामान उनके गोदाम तक ले जाया जाता था। कबाड़ी 2 ही प्रकाश में है या और भी लोग इनके? अभी 2 ही कबाड़ी जो प्रकाश में आए हैं, बाकी इसमें इन कबाड़ी को जब पकड़ा जाएगा तो उनसे ही पूछताछ की जाएगी और उनके आगे की जो सप्लाई चेन है उस पर भी काम किया जाएगा। सहारनपुर के अलावा राज्य से भी मोटरसाइकिल चोरी हुई थी? नहीं, ये सहारनपुर की ही सारी की सारी जो नगर क्षेत्र के थाने हैं उन्हीं में से मोटरसाइकिल चोरी हुई। ठीक है।